प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था उनके करकमलों से, तभी ये तय था कि 2 साल में ये इनॉग्रेशन की व्यवस्था भी हम करेंगे। और जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा होता है। ये पूरे पूर्वांचल की इकोनॉमी को, खास करके रूरल इकोनॉमी को चेंज करने वाला ये प्लांट है। अभी डायरेक्ट 80,000 से ज़्यादा किसान ये प्लांट से जुड़ गए और आने वाले समय में 3 लाख तक किसान ये पूर्वांचल के जुड़ेंगे। वाराणसी के साथ साथ में पूरा पूर्वांचल में दूध क्रांति की शुरुआत ये अभी हो गई है। इस प्लांट की कैपेसिटी है वो अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है और आने वाले समय में 15 लाख लीटर तक ये पहुँचेगा। अलग अलग पाउस मिल के साथ में लस्सी, दही, पनीर, आइसक्रीम, अलग अलग मिठाई, रसगुल्ला है यहाँ पर, यहाँ का लाल पेड़ा और लौंग लता, वहाँ से लेकर अलग अलग मिठाइयाँ भी, इंडियन मिठाई, पूरा देश और दुनिया यहाँ का स्वाद, वाराणसी का स्वाद, लाल पेड़ा पूरी दुनिया तक पहुँचेगा, उनका मार्केटिंग भी पूरी दुनिया में होगा। तो मैं मानता हूँ कि एक इकोनॉमिकल दृष्टि से बहुत बड़ा बदलाव रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के साथ और खास करके पशुपालन के साथ जुड़े लोगों को आएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।